हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडु जोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। एज आई प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग आर न्यू वीडियो फॉर बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट, सो आई एम हियर नाउ। ओके, सो जैसा कि मैंने वादा किया था आपको, बीए फाइनल के जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं कुमार यूनिवर्सिटी के, तो उनको मैंने कहा था कि आपको भी मैं फर्स्ट पेपर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो देखिए, 100 बात की एक बात कह दूँ, अगर आप चाहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको बताऊँ, अगर आप चाहते हो कि इसमें मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो, तो देखिए इस पहली बात तो आप इसका सिलेबस को सुनो। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में बटा हुआ है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेंजा के सारे वीडियो जो हैं मैंने पहले ही बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। इसमें बहुत सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं मैंने वन बाय वन करके उनके मीनिंग बताए हैं, और जब आप एक बार मीनिंग देख लेंगे ना पोएम का, तो आपको पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो मतलब समरी है उसकी वो पता चल जाएगी। और अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं और अपने आप बना के लिखना जानते हैं, तो आराम से आप पेपर कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि अगर पोइट बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसके लिए पोइट बेस्ड के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और किसी व्यूअर ने यही पूछा था कि किस तरीके से उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ें, किस तरीके से उसके नोट्स बनाएं, तो देखिए आपकी जो बुक में जो दिया होगा वो ज़्यादा कुछ दिया नहीं होगा, सीधी सी बात है पोइट के बारे में। तो आपको जो प्रॉब्लम ये जो होती है कि पोइट के बारे में किस तरीके से डिटेल में और ज़्यादा 4-5 पेज लिखने पड़े हैं आपको, तो कैसे हम 4 और 5 पेजेस लिखें, तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो आप अपनी बुक को देखें, ठीक है, और इंटरनेट में भी थोड़ा सा सर्च करें, और उसके बाद फिर अपनी जो पोएम जो आपने पढ़ी ना, जब भी आप पोइट को दिखाते हो कि ये पोइट कैसा था, ये पोइट कैसा था, तो बाकी रेफरेंस के साथ साथ जो पोएम आपने पढ़ी है उसका रेफरेंस भी दें कि इस पोएम में ही था, तो इस पोएम में हमने ये देखा कि इसमें उसने फिगर्स ऑफ स्पीच, ये इन इसमें जो पोएट्री डिवाइसेस हैं इसका इसने यूज ज़्यादा किया है या ज़्यादा करता है, ऐसी उसकी थीम रहती है, जैसा कि हम देख सकते हैं इस पोएम में जो आपने पढ़ी है उसके साथ जोड़ के उसका आंसर आप देंगे, तो बड़ा आसान पड़ेगा। अगर आप जो पोएम पढ़ी है उसके साथ उसको एज ए पोएट अगर डिफाइन करेंगे, थोड़ा अदर रेफरेंसेस का भी दीजिए, लेकिन जो पोएम पढ़ी है उसके आधार पर भी उसका आप मतलब आंसर लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर करके डिटेल ज़्यादा आपको मिल जाएगी, लिखने के लिए ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैटर होता नहीं है इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से जो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो वो होगा स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा? स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, बीच में एक और जानकारी आपको दे दूं कि मैंने ये टेलीग्राम का चैनल भी बना दिया है, तो टेलीग्राम का लिंक आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। जो भी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी उनको सब्जेक्ट मटेरियल चाहिए होगा, तो वहाँ पर उनको वो मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेलिस्ट जो है, कि बच्चे जो मुझे कमेंट में करते हैं कि सर इसकी वीडियो बना दीजिए, इसकी वीडियो, वो वीडियो पहले ही बनी हुई है, कुछ की वीडियो तो पहले ही बनी हुई है, आप पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल लैंग्वेज लिटरेचर सारी वीडियोज पहले से ही बनी हुई है, वो आप प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाकर चेक करिए, जहाँ पर चैनल का नेम शो करता है उस पर टैप करिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट ईयर, इंग्लिश लैंग्वेज बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करके सारी वीडियोज एक ही जगह पर प्लेलिस्ट करके वहाँ पर आपको मिल सकती है, ठीक है, वहाँ जरूर चेक करें। तो चलिए अब सीधे आ जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यूनिट फर्स्ट, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, फोर स्टेंजा यहाँ से हो सकता है कि कम भी दे, ठीक है, तो फोर स्टेंजा यहाँ से आएंगे, लेकिन आपको टू अटेम्प्ट यहाँ से करने होंगे। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि कम कर दिया हो कोविड की वजह से, 2 घंटे का पेपर है। तो आपको क्या है, पहला क्वेश्चन स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन होगा, और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जब करना होता है तो पोएम का मीनिंग पता होना चाहिए, और मैंने पहले बता दिया पोएम के मीनिंग पहले ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जा चुके हैं, बहुत अच्छे तरह से समझाए जा चुके हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करके वहाँ से सारे मीनिंग आप एक बार अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, आराम से जो पोएम बेस्ड क्वेश्चन है वो भी बड़े आराम से कर लेंगे। अब बात करें कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कैसे आएंगे, तो लॉन्ग आंसर यहाँ से भी आएंगे, लॉन्ग आंसर यहाँ से भी आएंगे, तो लॉन्ग आंसर जो होगा वो पोएट बेस्ड होगा और पोएम बेस्ड होगा, मतलब एक तो पोएट बेस्ड होगा, मैंने बताया पोएट बेस्ड के लिए क्या करना है, पोएम बेस्ड क्वेश्चन के लिए पोएम पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पोएट्री डिवाइसेस का देख लें, और उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन जरूर आएगा। तो इस मॉडल पेपर में भी जब आप देखेंगे तो वहाँ पर 2 ही तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, एक होगा पोएट बेस्ड, एक होगा पोएम बेस्ड मतलब क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा गया होगा। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर निशान आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, फर्स्ट में लगाया हुआ है, यहाँ पर सेकंड में लगा है, थर्ड में लगा है, उसके बाद सीधे आप फोर्थ में भी है, उसके बाद सिक्स्थ और
सेवंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले से टिक मार्किंग कर रखी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके एज ए पोइट और वो पढ़ ले। इसके अलावा जैसे यूनिट सेकंड में देखते हैं तो मैं पहले बता दूँ नीचे के ये चार जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन पोइट है और इनमें से आना पक्का है। इसलिए सरोजिनी नायडू, ए के रामानुजन, नसीम इजकेल, कमला दास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। पोएम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इसमें से पूछे जाएंगे, पोइट बेस्ड भले एक बार के लिए कम पूछे जाए लेकिन पोएम बेस्ड बहुत ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा वॉल्ट विटमैन हो गया, एमिली डिकिंसन हो गया, इसके इसमें पोइट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, देखिए आप अब देखते रहिएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पर टिक किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको शो करते जा रहा हूँ जहाँ जहाँ पर मैंने टिक कर रखा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जहाँ पर आपको डबल टिक दिखे तो समझ जाइए, ठीक है। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको एक एक करके दिखाते रह रहा हूँ, जहाँ पर भी आपको डबल टिक दिखेगा सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यू प्रिपेयर देम, ओके। If I read the question, the video will be too long, so I am just turning over the pages. जो most है उसी में मैंने लगाए हैं, ठीक है। अब होने की तो सभी कुछ important होता है पढ़ने के लिए। तो अब इसके बाद सीधे यहाँ पर यहाँ देखिए ये भी important है, seventh का है ये, पढ़ सकते हैं आप। This one is also most important. This one is also important. Okay, you can see. जहां पर भी double tick आपको दिख रहा है वही most important है। अलग से extra आपको तैयारी, unit 2 start हो चुकी है अब यहां पर से, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको दिखाते हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है। इसमें अभी टिक नहीं लगा है बट वॉल्ट विटमैन का भी एज ए पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम पाथ्स, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन का यहां पर एज ए पोइट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सरोजिनी नायडू मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ए के रामानुजन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ओके। हिस्ट्री नसीम इजकेल इम्पोर्टेंट, कमला दास, अजय पोइट कमला दास,
एंड लास्ट वन, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया, सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ मैं तो जो इंडियन पोइट्स हैं इन्हें पहले तैयार करें। फोर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर इसमें पोएम के बारे में ही ज़्यादा आएगा, लेकिन सरोजिनी नायडू और कमला दास का आप अगर एज ए पोइट अगर आप तैयार करना चाहते हैं इसे भी तैयार कर लीजिएगा, और ऊपर से वर्ल्ड विटमैन और एमिली डिकिंसन का एज ए पोइट तैयार कर लीजिएगा, पोएम के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ओके। और अगर समय मिला तो आगे वीडियो बनाई जाएंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हो सके शॉर्ट नोट्स बना के अगर समय मिलता है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल आई विल ब्रिंग द वीडियो फॉर यू सून। थैंक यू वेरी मच।